बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और आप संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मुझे मौत नहीं आ रही, मेरा बच्चा चला गया, मैं भी चली जाऊं उसके साथ। मार डाला मेरे बच्चे को। सूखे आंसू, तड़फते दिल, क्या होता है, क्या दर्द होता है एक उस माँ के लिए जिसने 9 महीने अपने बेटे को कोख में पाला था, 15 साल तक उसको बढ़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, सपने बनाए कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की ज़िंदगी का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन बीच में ही हत्यारों की कुर योजना में उसको पकड़ के हत्या कर दी जाए, फिर माँ का दर्द क्या होगा, क्या हाल होगा। देखिए, कानपुर में मारे गए छात्र कुशाग्र की माँ का, देखिए चश्मा है लेकिन चश्मों के पीछे आँखें सूनी नजर आ रही, क्यों, आंसू बचे नहीं हैं। कुशाग्र की याद में आंसू चले गए हैं, क्योंकि कुशाग्र तो अब आएगा नहीं, आंसू ही जीवन भर का सहारा रहेंगे। दर्द ये भी है कि जिस टीचर को उन्होंने बेटी जैसा मानकर उसको बचपन से कुशाग्र को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, सोचा था टीचर पढ़ाएगी, इसका भविष्य बनाएगी, वही टीचर उसकी यमराज बन जाएगी, ये कभी सोचा नहीं था। बच्चे को हर तरह की सुविधा दी थी कि ये सुविधा देंगे, पैसा इसीलिए माँ बाप कमाते हैं, लेकिन यही पैसा टीचर की फिरौती का सबब बन जाएगा और वो उसकी हत्या कर देगी, क्या दर्द होगा आप अंदाज़ा लगाइए। और नहीं अंदाज़ा लगा पाते हैं, इस माँ के दर्द को सुनिए। क्या नाम है आपका अगर पूछूँ मैं तो? सोनिया। आवाज़ स्लो है, निश्चित होगी, क्योंकि आपका सितारा चला गया है। क्या कहना है? पहला दर्द, मेरे बच्चे को उन्होंने मार डाला, अब उसके बारे में गलत खबरें मत छापिए। हमने बर्थडे किया ही नहीं था, मेरा बच्चा स्कूल में प्रोग्राम था जयपुरिया में, उस डेट पे आप पता करिए, स्कूल गया हुआ था मेरा बच्चा, रात को 10 बजे वो आया है थका हुआ, तो मैं कहाँ से किसको बुलाती, उस कोई भी नहीं था, बस मैं और मेरा दोनों बच्चे थे हम घर पर, ना उनके पापा थे, किसी को बुलाने का मतलब ही नहीं बनता था, जब बच्चा रात को 10-11 बजे आ रहा है, तो आप ही बताइए हम किसको बुलाएंगे, कैसे बर्थडे बनाएंगे। मतलब ये माना जाए कि उसका रचिता से कोई वो ताल्लुकात नहीं था, केवल क्या लगता मर्डर क्यों किया? मेरा बच्चा तो उससे बोलता तक नहीं था, बस पैसे के लिए उसने मेरे बच्चे को मारा है सब। बचपन से उसको आपने पढ़ाया, बेटी जैसा पाला, आपको लगते थे कि मैं करूंगी तेरी शादी, मैं तेरा कन्या दान करूंगी, और उसने मेरे बच्चे को मार दिया, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए, उन तीनों को फांसी दी जाए। आपको लगता है कि पुलिस सही जांच कर रही, सही कार्रवाई कर रही, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं हम, पर ये गलत खबरें ना छापो मेरे बच्चे के बारे में, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी वैसा नहीं। आप स्कूल में जाइए, मोहल्ले में आइए, सबसे पूछिए कैसा है वो बच्चा, हमारी बात पे विश्वास नहीं है, स्कूल के बच्चों पे विश्वास है। बिना प्रूफ के कोई भी खबर ना, बिना प्रूफ के कोई खबर मत डालिए मेरे बच्चे के। कहती ये भी कह रही है कि वो कृष्ण भक्त है, हम वो दरबार भी दिखाएं, कहते हैं भगवान दुनिया के संरक्षकदाता हैं, दुनिया मानते हैं, लेकिन शायद कृष्ण भक्त था, वो कृष्ण राधा कृष्ण की माला जपता था, इस्कान का सदस्य था, कृष्ण भक्त था, प्रेमी था, लेकिन भगवान ने उसको असमिक व्रत क्रूर हत्यारों के हाथे इस दुनिया से बुला लिया। माँ दर्द से करा रही है, क्या कहें, किससे कहें, अब कैसे समय कट रहा है, कैसे काट सकती हूँ उसके बिना, मुझे मौत नहीं आ रही, मेरा बच्चा चला गया, मैं भी चली जाऊँ उसके साथ, मार डाला मेरे बच्चे को। ये दर्द अगर आंसुओं की आवाज होती तो आप समझ पाते, कैमरे में माइक में भी अगर दर्द समझने की कुवत होती तो शायद आप ये समझ पाते कि माँ का दर्द क्या है। क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसकी वो शादी करने की बेटी मान बैठी हो, उसने उनके उसको दर्द दिया है, बेटे के इनके घर के चिराग को छीन दिया है।